السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام, راجستھان کے مختلف علاقوں سے, راج گڑھ کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین, بزرگوں, نوجوان دوستوں, پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہن, سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف, کبریائی اور بڑائی, عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے,
जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। ये अल्लाह की बहुत मुख्तसर सी तारीफ थी। बादहू अल्लाह से दुआ है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेगिनती बेहिसाब दरूद सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस रहमतुल आलमीन शफीउल मोमिनीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन खातिमुन नबियीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्म सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि मुझे आपके इस राजगढ़ के अंदर बुलाया गया, दावत दी गई और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुलाकातें हुई हैं दोपहर से। आप लोगों की जो भीड़ है उसको देख करके भी एहसास हो रहा है कि यहाँ बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। वक्त खासा हो चुका है, लिहाजा अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए और ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद ना बांधते हुए बात शुरू की जाए। उससे पहले अल्लाह से दुआ है वो हम सब को तमाम बातें सुनने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरा मौजू है इस्लाहे मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां। क्या मौजू है? मेरी अपनी ये आदत है कि मैं बीच बीच में जो बोलता हूं तो आपसे दोहरवा भी लेता हूं कि मैंने क्या कहा, ताकि मालूम चलता रहे कि आप सो नहीं रहे हैं और आपको बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा बोलते रहिएगा। इस्लाहे मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां, लेकिन मैं इस मौजू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा बदल देता हूं। मौजू कर लेते हैं अपने बिगड़े हुए मुआशरे की इसलाह और हमारी जिम्मेदारियां। भाई हम सब मानते हैं कि हमारा मुआशरा बिगड़ चुका है, तभी इसलाह की जरूरत है, वरना इसलाह की जरूरत नहीं है। तो मुआशरा बिगड़ चुका है, समाज के अंदर खराबियां हैं और कितनी खराबियां हैं ना तो हम आपको उंगलियों पर गिना सकते हैं ना उंगलियों के पोरों पर गिना सकते हैं। और उन खराबियों के ताल्लुक से अगर बोलने लग जाएं तो फज्र भी हो जाए मगर फिर भी बात मुकम्मल नहीं हो सकती। कोशिश करेंगे कि ये घंटे के अंदर कुछ बातें आपके सामने आ जाएं। हमारे और आपके समाज की जो सबसे बड़ी खराबी है, जो सबसे बड़ी बुराई है, आज मुसलमान अकीदे के एतबार से बड़े कमजोर हो गए, या ये कह ले कि उनका अकीदा खराब हो गया है, ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है। और यही समाज की सबसे बड़ी खूबी है, किसी का अकीदा सही हो जाना, किसी का ईमान सही हो जाना। तो तौहीद ये समाज की सबसे बड़ी अच्छाई है और शिर्क ये समाज की सबसे बुरी चीज है, सबसे खराब चीज है, सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि दो सवाल हैं और उन दो सवाल, वो दो सवाल ही बड़े छोटे हैं और वो जो दो सवाल हैं उनके जवाब और भी छोटे हैं। थोड़ा ये शोर गुल बंद कर दें, बस फिर इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा बंद कर दें। अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि दो सवाल हैं और उन दो सवाल वो छोटे हैं और उनका जवाब भी बहुत छोटा है।
आगे इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि जो शख्स उन दोनों सवालों के जवाब को जान जाए, गोया कि वो पूरे दीन पर और पूरी शरीयत को जान जाता है। मेरे एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, एक एक लफ्ज पर। अल्लामा इब्ने तैमिया कहते हैं जो उन दोनों सवालों को के जवाब को जान जाए वो पूरे दीन को जान जाता है, और जो उस पर अमल कर ले उन दोनों सवालों के जवाब की जाए। ये दो सवाल है। मन ताबुद, इबादत किसकी की जाए, वह कैफ ताबुद, और इबादत कैसे की जाए। अब इसका जवाब देखिए, जवाब इबादत किसकी की जाए, मन ताबुद, बड़ा आसान जवाब है, बहुत छोटा जवाब, इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए। किसकी की जाए, अल्लाह की नहीं, सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी की जाए, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई। और दीन के अंदर है क्या, शरीयत के अंदर है क्या, इबादत ही तो है। हम और आप पांच वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, ठंडे पानी से वजू कर रहे हैं, सर्दी में खड़े हुए हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह की इबादत ही तो है। हम और आप हज करने जा रहे हैं, ये इबादत ही तो है। हम और आप यहां बैठे हुए हैं कुछ सुनने के लिए, सुनकर अपनी इबादतों की इसलाह करें। हमारी और आपकी पूरी जिंदगी का मकसद क्या है, इबादत है। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। कुरान उठाइए, कुरान के बीच में एक सूरत है, सूरत का नाम क्या है, सूरतुल कहफ। इसकी आखिरी आयत देख लें, अल्लाह ताला फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला फरमाता है कि आए मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह ताला फरमाता है दो काम कर ले। पहला काम, फल यअमल अमलन सालिहान, नेक अमल करे, वो अमल जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हुई हो। अमल वो करे जो सुन्नत से साबित हो, जो सुन्नत से माखूज हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराए। कौन है जो अल्लाह से मुलाकात करना नहीं चाहता है, कौन है जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता है। अल्लाह फरमाता है दो काम कर लो। पहला काम, अमल वो हो जो सुन्नत से साबित हो। आप ऐसा करें, आप बड़ा अच्छा अमल करने वाले आप हैं, आप बहुत ज्यादा अमल करते हैं, पर याद रखिए आपका अमल अच्छा क्यों ना हो, आपका अमल बहुत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका वो अमल सुन्नत से साबित नहीं है तो वो अमल भी अल्लाह के यहां आपका काबिल कबूल नहीं है। हमारे और आपके यहां नोट चलता है, सिक्का चलता है, और उस सिक्के पर जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है उसके साइन होते हैं, उसके साइन जरूर होते हैं। आप ऐसा करें, 2000 का नोट ले आए, उसका कागज भी बड़ा अच्छा हो, उसका रंग भी बहुत अच्छा हो, सारी चीजें लिखी उसमें, 2000 भी लिखे हुए हों, उसमें गांधी जी भी छपे हुए हों, पर अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन नहीं है तो बताइए क्या वो नोट चलने के काबिल है, क्या वो नोट चल सकता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह आप अमल बहुत अच्छा ले आए, आपका अमल लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हो, आपका अमल बहुत ज्यादा भी हो, लेकिन याद रखिए अगर उस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर नहीं है तो वो भी अमल अल्लाह के यहां आपका काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा काम, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराया जाए। दो काम कर लिए, अल्लाह फरमाता है मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो इन दो चीजों पर गौर कीजिए, पहली चीज अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, क्योंकि ये शिर्क सबसे बड़ा गुना है। अल्लाह ताला फरमाता है इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा गुना है, इससे बड़ा गुना कोई और नहीं है। हम और आप आज
मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं और हम और आप नमाज में सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं और सूरह फातिहा के अंदर ये भी पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सिर्फ एक आयत नहीं है बल्कि हम ये अल्लाह से वादा कर रहे हैं, हम अल्लाह से एग्रीमेंट कर रहे हैं, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। लेकिन कितना ज्यादा बेगैरत है, कितना ज्यादा बदनसीब है ऐसा शख्स जो मस्जिद में खड़े होकर के तो ये कह रहा है आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं, मदद तुझसे ही मांगते हैं, लेकिन मस्जिद से निकल जाने के बाद, मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद वो इबादत किसी और की करने लगता है, मदद किसी और से मांगने लगता है, बेटा बेटी का सवाल किसी और से करने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों, से बड़ा बेगैरत दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है। आप गौर कीजिए, तौहीद किसे कहा जाता है? हम और आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बिल्कुल बीच में अल्लाह ने एक आयत रखी है और मैं कहता हूं ये आयत ऐसे जैसे अल्लाह ने अंगूठी के अंदर नगीने को लगा दिया हो, बिल्कुल बीच में अल्लाह ने ये आयत रखी है। तीन आयतें पहले और तीन आयतें बाद में, बिल्कुल बीच में अल्लाह ने इस आयत को रखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं, आय अल्लाह मदद तुझसे ही मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान की ये आयत, सूरह फातिहा की ये आयत पूरे कुरान का निचोड़ है, पूरे कुरान का लुबे लुबाब है। आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कोई इसका तर्जुमा ये कर दे आय अल्लाह इबादत तेरी भी करते हैं और मदद तुझसे भी मांगते हैं, ये शिर्क हो जाता है, यही शिर्क हो जाता है। अगर कोई ये कह रहा है अल्लाह इबादत तेरी ही कर रहे हैं, करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं, ये तौहीद है। और अगर कोई ये कह दे अल्लाह इबादत तेरी भी करते हैं, मदद तुझसे भी मांगते हैं, यही शिर्क है। शिर्क कहते किसको है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना और कोई अल्लाह को ना माने वो इल्हाद होगा। क्या होगा वो? शिर्क कहते अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना। एक बात मैं आपको बताऊं, तौहीद और शिर्क का जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो ही और भी का है, वो ही और भी का है। अगर इबादत अल्लाह की ही हो रही है ये तौहीद है और इबादत अल्लाह की भी हो रही है ये शिर्क है। आप देखिए कुफारे मक्का को, क्या वो अल्लाह को मानते नहीं थे? क्या वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे? अल्लाह के नबी के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह को ही नहीं अल्लाह को भी मानते थे। हम और आप हज करने के लिए जाते हैं, हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो तलबिया पुकारते हैं, क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आय अल्लाह हम हाजिर हैं, आय अल्लाह हम हाजिर हैं, लाला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई साजी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं है। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का और मुशरिकीन खाने काबा का तवाफ करते थे तो वो भी एक तलबिया पुकारते थे और उनका तलबिया ये था लब्बैक अल्लाह हम हाजिर हैं, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला शरीक लक मगर कुछ तेरे शरीक हैं, तमलिकुहु वमा मलकत मगर उन शरीकों का भी तू मालिक है। आय अल्लाह वो छोटे छोटे हैं, तू सबसे ज्यादा ताकतवर है, तू उनका मालिक है, लेकिन वो तेरे शरीक हैं, हम उनकी भी परस्तिश करते हैं, हम तेरी भी इबादत करते हैं, हम उनको तेरा साजियो शरीक मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यही तो शिर्क है, इसे ही तो शिर्क आ जाता है। और तौहीद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, समाज का जो सबसे बड़ा खसारा हो रहा है, जो समाज का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे और आपके मुआशरे की सबसे बड़ी तबाही और सबसे बड़ा नुकसान ये, आज हम और आप तौहीद से दूर होते जा रहे हैं, आज हम और आप सही अकीदे से दूर होते जा रहे हैं, आज हमारे आपके समाज के अंदर शिर्क फैल रहा है।
अल्लाह के नबी के चाचा हैं, नाम है उनका अबू तालिब, नबी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, प्यारे नबी को भी अबू तालिब से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। नबी अकरम को मालूम चलता है अबू तालिब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। अल्लाह के नबी आए और अपने चाचा अबू तालिब को बिस्तर पे पड़ा हुआ देखा। अल्लाह के नबी कान में कहते हैं, आए चाचा कलमा पढ़ लो, मैं आपकी मगफरत करवा दूंगा। आए मेरे चाचा कलमा पढ़ लो, मैं आपको अल्लाह के यहां बख्शवा दूंगा। अबू जहल भी बैठा हुआ है, मुशरिकीन मक्का भी बैठे हुए हैं, कहने लगते हैं खबरदार खबरदार, आए अबू तालिब बाप दादा के मजहब से ना फिर जाना, आए अबू तालिब बाप दादा के दीन से ना फिर जाना, आए अबू तालिब बाप दादा के दीन को ना छोड़ देना। हदीस के अंदर आता है अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी अल्फाज निकले वो ये थे, आला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर मरता हूँ। अल्लाह के उनका इंतकाल हो जाता है, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, आप सिफारिश के लिए हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, आए नबी किसी मोमिन के लिए किसी मुसलमान के लिए ये जायज ही नहीं है कि वो मुशरिक की सिफारिश करे, वो अल्लाह के साथ खैर को साजी बनाने वाले की सिफारिश करे। आए नबी आपको भी हक नहीं है कि आप अपने चाचा की सिफारिश कर सके। गौर कीजिए, शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, शिर्क कितना बड़ा जुर्म है मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। आपने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, आपने रोजा नहीं रखा है, अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह ताला माफ कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, यह अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह फरमाता है, लेकिन अगर दुनिया के अंदर शिर्क किया है और बगैर तोबा किए मर गए, अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारे शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हारी नमाजों को माफ कर सकते हैं, तुमने रोजे नहीं रखे उसको माफ कर सकते हैं, सदका व खैरात नहीं किया उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन याद रखो अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो तुम्हारे शिर्क को हम माफ नहीं करेंगे। अगर तुम बगैर तोबा किए मर गए, और उसके बाद अल्लाह फरमाता है वमन युशरिक बिल्लाह फकद ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो कहां है, दूर की गुमराही के अंदर है। कहां है वो? अच्छा, इस आयत को समझो, फकद ज़ल्ला ज़लालन बईदा का मतलब क्या है। आप एक बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप एक बस में बैठे हुए हैं और आपको दिल्ली जाना है। अच्छा बताइए, दिल्ली का उल्टा आपके यहां कौन सा इलाका पड़ता है? जैसे यहां अगर दिल्ली जाना है तो यहां कहां जाएंगे? बीकानेर जाएंगे। आपको जाना है दिल्ली और आप एक ऐसी बस के अंदर बैठ गए जो बीकानेर जा रही है। मिसाल समझिए, शायद की तफसीर फकद ज़ल्ला ज़लालन बईदा, वो दूर की गुमराही में है। आपको जाना है दिल्ली और आप बैठ गए हैं ऐसी बस के अंदर जो बीकानेर जा रही है, यानी जैसे जैसे बस का पहिया घूमता रहेगा आप अपनी हकीकी मंजिल दिल्ली से दूर होते रहेंगे, और जो आपकी मंजिल नहीं है बीकानेर उससे आप करीब होते रहेंगे। अल्लाह फरमाते जो शिर्क है फकद ज़ल्ला ज़लालन बईदा, ये दूर की गुमराही है। जो शिर्क की बस में सवार हो गया वो अपनी हकीकी मंजिल जन्नत से दूर होता रहेगा, और जो उसकी मंजिल नहीं है जहन्नम वो उससे करीब होता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, शिर्क बहुत खतरनाक चीज है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, या बुनैया तुशरिक बिल्ला इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत लुकमान का ये अपने बेटे को नसीहत करना हमें और आपको ये सबक दे रहा है। आए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें भी बेटे दिए, अल्लाह ने तुम्हें भी बेटियां दी हैं, अपनी जिंदगी में अपने बच्चे
बच्चों को भी तौहीद का सबक दो। आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद, इतनी ज्यादा तालीम दिलाने के बाद अगर तुम्हारे बच्चे अल्लाह को ना जान पाए, तौहीद से आशना ना रह पाए, तो ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी होगी। अपने बच्चों को भी तौहीद का सबक दो। आपके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, आप बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं, अपनी जिंदगी में रोजमर्रा 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा अपने बच्चों को दिया करो, उनको तौहीद के बारे में बताया करो, उनको अल्लाह के बारे में बताया करो। बेटा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने ना झुकना। बेटा, अल्लाह के अलावा किसी से फरियाद ना मांगना। मेरे बच्चों, अल्लाह के अलावा किसी से मुश्किल कुशाई ना करवाना। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ये सबक दीजिए, अपने बच्चों को ये पढ़ाइए, फिर कहीं ऐसा ना हो कल कयामत के दिन आपके बच्चे आपको पकड़ने हैं। आए अल्लाह, मैं जहन्नम में तो जा रहा हूं लेकिन अपने बाप की वजह से, अगर ये मेरा बाप दुनिया में मुझे तौहीद के बारे में बताता तो आज मैं जहन्नम में ना जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपको जवाब देना पड़ेगा। तुमने अपने बच्चों को तौहीद के बारे में क्यों ना बताया? तुमने अपने बच्चों को दीन के बारे में क्यों ना बताया? आपको जवाब देना पड़ेगा। अपने अंदर भी अकीदा मजबूत कीजिए और अपने बच्चों की भी ईमानी तरबियत कीजिए, उनको भी तौहीद के बारे में बताइए। आज हमारे और आपके यहां से भी तौहीद का जनाजा निकल रहा है। हम और आप तो सिर्फ इसीलिए खुश रहते हैं कि भाई हम अहले हदीस हैं, हमारे अंदर तौहीद है, हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीसों, अपने आप का मुहासबा लीजिए। आज हमारे और आपके अंदर भी शिर्क है। हमने कितने अहले हदीसों को देखा है, कितने अहले हदीसों को देखा है, अगर उनके घर में जरा सी परेशानी होती है तो वो बेचारे पंडितों के पास जा रहे हैं, जो भगत होते हैं, झाड़ फूक करने वाले होते हैं। ये हकीकत है, जमीनी रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। ये अहले हदीसों का हाल है। आज लोग जादू का काम कर रहे हैं, जरा सी कोई दिक्कत होती है, आज हमने अहले हदीसों के हाथ में तावीज, उनके गले में तावीज बंधा हुआ देखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अल्लक तमीमतन फकत अशरक, जिसने कोई धागा लटकाया उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। ये हमारी और आपकी नजरों के सामने, किसी का बेटा नहीं हो रहा है, बाजारों के चक्कर काट रही है। ये अहले हदीस घरों की औरतों का हाल है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी तौहीद को मजबूत कीजिए। कुरान के अंदर है क्या? कुरान भरा पड़ा है तौहीद से। हम और आप आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कभी हमने और आपने आयतुल कुर्सी पर गौर नहीं किया। तौहीद का कितना बड़ा सबक है आयतुल कुर्सी में। आयतुल कुर्सी देखिए, आयतुल कुर्सी के अंदर एक दावा है जो अल्लाह ताला कर रहा है, और उस दावे की 9 दलीलें अल्लाह ताला दे रहा है। दावा देखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये क्या है? दावा है। क्या है ये? समझ में नहीं आ रही ये बात। ये अल्लाह का दावा है। और अब देखिए अल्लाह ताला अपने दावे की दलील कैसे दे रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। अब ये दावा तो अल्लाह ने कर दिया, अब दलील भी दे रहा है। अल हय, अल्लाह ताला वो है जो हई है, जिंदा रहने वाला है। दलील देखिए अल्लाह ने कितनी बड़ी दी है जनाब। ये कुरान है, जहन के फाख्ते उड़ जाते हैं। ये भी अल्लाह की तौफीक होती है, जिसे समझ में आ जाए और जिसे समझ में ना, ये भी अल्लाह की तौफीक है, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। दावा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं, और उस दावे की दलील दी जा रही है क्या? अल हई, अल्लाह ताला जिंदा है। अब आप कहेंगे भी जिंदा तो हम भी हैं। आप क्या कहेंगे? जिंदा तो हम भी हैं, लेकिन मरना तो है। ये जिंदगी दायमी नहीं है, जिंदगी फानी है, और ये जिंदगी अताई है, बिनफ्सी ही नहीं है, बिजाती ही नहीं है।
ये जिंदगी आपकी खुद की नहीं है, जिंदगी भी आपको किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो आपके जिंदा रहने में और अल्लाह के जिंदा रहने में फर्क है। वो क्या है? अल कय्यूम, ये दलील दी जा रही है। वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा कायम रहेगा और आप मर जाएंगे। उसके बाद कितनी बड़ी बात अल्लाह फरमाता है, ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम। अल्लाह को कभी ऊंग नहीं आती है, अल्लाह को कभी नींद नहीं आती है। अच्छा एक बात बताइए, ऊंग पहले आती है नींद पहले आती है? क्या पहले आता है? पहले ऊंग आती है, उसके बाद नींद आती है। अल्लाह कहता है उसको तो ना ऊंग ही आती है और ना नींद आती है। देखिए ऊंग जो होती है ये गफलत की इब्तिदा होती है, और नींद जो होती है ये गफलत की इंतहा होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मैं बड़ी मेहनत से समझा रहा हूं, ये आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है। और ना समझ में आए तो आप पूछिए कि समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं है कोई भी बात हम बोलते जाएं और आप सुनते जाएं, नहीं समझ में आया तो आप पूछे, हाँ भाई आपकी बात ये समझ में नहीं आई। तो ऊंग क्या होती है? ये गफलत की इब्तिदा। आदमी ये क्या है? ऊंग आ रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता। और नींद क्या है? आदमी सो गया। तो ऊंग जो होती है वो गफलत की इब्तिदा होती है, और नींद जो होती है ये गफलत की इंतहा होती है। ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम। अल्लाह की जात वो जात है जो गफलत की इब्तिदा से भी पाक है और गफलत की इंतहा से भी पाक है। ना उसे कभी ऊंग आती है और ना कभी नींद आती है। एक चीज और बहुत प्यारी चीज, अल्लाह ने क्या कहा? ला ताखुज़ुहू, उसे कभी ऊंग पकड़ती नहीं है ना नींद पकड़ती है। मेरे इस हाथ को इस हाथ ने पकड़ा, तो जिसने पकड़ा वो ऊपर रहता है नीचे रहता है, और जिसको पकड़ा है वो, अल्लाह को नींद पकड़ती नहीं है। पकड़ता कोई चीज, अगर अल्लाह को नींद पकड़े तो नींद ऊपर रहेगी, अल्लाह नीचे रहेगा। मालूम ये चला अल्लाह से ऊंची कोई चीज ही नहीं, कहा कोई पकड़ती ही नहीं है, कोई चीज अल्लाह से ऊपर ही नहीं है। ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, ना अल्लाह को नींद आती है ना नींद पकड़ती है ना ऊंग पकड़ती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जो कुछ जमीनों में जो कुछ आसमानों में, ये समंदर ये चरिंद परिंद ये हवाएं ये मौजे ये फाख्ते ये अनार ये सेब, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के लिए। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, मन दल्लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर कयामत के दिन सिफारिश भी कर सके। يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, अल्लाह ताला सारी चीजों का इल्म रखने वाला है। وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ। ओ लोगों, आज तुम बहुत बड़े डॉक्टर बने फिरते हो, बहुत बड़े इंजीनियर बने फिरते हो, तुम बहुत बड़े साइंसदान बने फिरते हो, तुम बहुत बड़े मुफ्ती बने फिरते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ये जो हमने तुम्हें इल्म दिया है, ये जो तुम्हारे पास इल्म है, तुम हवाओं से बातें कर रहे हो, तुम हवाओं से बातें कर रहे हो, समंदर की पीठ पर सवारी कर रहे हो, ये जो इल्म भी हमने तुम्हें दिया है ये भीख में दिया है, हमारे इल्म के आगे इस इल्म की कोई हैसियत नहीं है। हमने जो इल्म तुम्हें दिया है ये भी भीख में दिया है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला की जो कुर्सी है वो जमीन और आसमान को उसने घेर रखा है। अच्छी एक बात और बताऊं, अल्लाह की कुर्सी क्या ये भी जान लो, अल्लाह ताला की कुर्सी है। हम और आप दुनिया के अंदर क्या करते हैं? कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन अल्लाह कुर्सी पर बैठता नहीं है। अल्लाह की कुर्सी कहां है? हदीस के अंदर आता है, मौदिउ कदमैन, जहां अल्लाह अपने दोनों पैर रखता है वो अल्लाह की कुर्सी है। कुर्सी क्या है? जहां अल्लाह ताला अपने दोनों पैर रखता है। इससे एक मसला ये मालूम चला कि अल्लाह ताला के दो पैर भी हैं, अल्लाह ताला के दो पैर हैं। लेकिन याद रखिए वो पैर कैसे हैं, इसका इल्म हमारे पास नहीं है।
अल्लाह के दो हाथ भी हैं मगर और दोनों हाथ दाहिने हैं, लेकिन वो कैसे हमारे हाथ की तरह नहीं, अल्लाह का चेहरा भी है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिक, अल्लाह सारी दुनिया फना हो जाएगी तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो अल्लाह का चेहरा भी है लेकिन वो चेहरा कैसा है इसका इल्म हमारे पास नहीं है। इसका इल्म किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास। अल्लाह ने जितना हमें बता दिया है, अल्लाह के हबीब ने जितना हमें बता दिया है, हमें उतना ही मानना है। ये अपने दिमाग से फैसला नहीं करना है कि अल्लाह का हाथ ऐसा हो सकता है, अल्लाह का पैर ऐसा हो सकता है, अल्लाह का चेहरा ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह के पैर है और अल्लाह की कुर्सी क्या है? जहां अल्लाह ताला अपने दोनों पैर रखता है। अब ये देख लो कि अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है। गालिबन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास या अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाह ताला की कुर्सी इतनी बड़ी है, अगर समझना चाहो तो ऐसे समझो कि जो सातों आसमान है और सातों जमीनें हैं, सात आसमान है तबक दर तबक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सात आसमान है और सात जमीनें हैं, वो भी तबक दर तबक, एक जमीन दूसरी जमीन तीसरी, इस तरीके से सात जमीनें हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास या अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं ये जो सात आसमान है और ये जो सात जमीनें हैं, इन सातों जमीनों को खोल दिया जाए, इन सातों जमीनों को और आसमानों को फैला दिया जाए, ये सातों जमीन और सातों आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं, अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं जैसे एक बड़ा सा जंगल हो और उस जंगल में पड़ी हुई एक मामूली सी अंगूठी हो। ये जमीन और आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं। जब अल्लाह की कुर्सी का ये हाल है तो वो अर्श जिस पर अल्लाह मुस्तवी है उस अर्श का क्या कहना, उस अर्श का क्या कहना। तो मेरे प्यारे भाइयों तौहीद मजबूत कीजिए, समाज की सबसे बड़ी बुराई इसको दूर, और तौहीद का फायदा कितना बड़ा है। नबी अकरम के एक सहाबी है और वो नबी अकरम के हदीस के बड़े मोहब्बत रखते हैं, उनका नाम क्या है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा नबी से सवाल करते हैं मन असअदुन नासी बिशफाअती का यौमल कियामा, आए अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको कल कयामत के दिन आपकी सिफारिश नसीब होगी। आए अल्लाह के नबी कौन ऐसा खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लकद वनंतु या अबा हुरैरा, आए अबू हुरैरा मुझे गुमान था तुम्हें ये सवाल मुझसे सबसे पहले करोगे। तुम मेरी हदीस के बड़े मुतलाशी रहते हो, तुम मेरी हदीस के बड़े हरीस रहते हो। आए अबू हुरैरा सुन लो, मैं कयामत के अपने ईमान को मजबूत कीजिए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे भाइयों अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं पहला सवाल मन ताबुद, इबादत किसकी की जाए? इसका बड़ा आसान जवाब है इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जाए। इबादत किसकी की जाए? पहला सवाल अपनी बस्ती को छोड़ करके, अपने कस्बे को छोड़ करके मदीना आ जाते हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं और आपसे दीन सीखते हैं, आपसे दीन की तालीम लेते हैं और 20 दिन तक हम मदीने के अंदर ठहरे रहते हैं। मालिक इब्ने हुवैरिस कहते हैं हमारे भी बीवी बच्चे थे, हमें अपने घर की याद आने लगी। प्यारे नबी समझ जाते हैं हमें अपने घर की याद आ रही है, अल्लाह के नबी हमारे चेहरों से समझ जाते हैं, आप हमें बुलाते हैं और फरमाते हैं आए मेरे सहाबा मैं समझ गया हूं तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, तुम्हें अपने बीवी बच्चों की याद सता रही है, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे भी खानदान है, ऐसा करो तुम अपने गांव लौट जाओ, ऐसा करो तुम अपनी बस्ती लौट जाओ, पर याद रखना जो दीन मैंने तुम्हें दिया है, जो दीन तुम मुझसे सीख करके जा रहे हो, गांव जाकर बस्ती जाकर उस दीन को फैलाते रहना, उस दीन की तबलीग करते रहना, और जब नमाज का टाइम हो जाए, जब नमाज का वक्त हो जाए, अब जो तुम में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो उसको अपना इमाम बना करके नमाज पढ़ लेना और नमाज ऐसे पढ़ना सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है नमाज ऐसे पढ़ना जैसे तुमने मुझे देखा है, इससे मालूम ये चला नमाज वैसे पढ़ना है, इबादत वैसे करना है, दीन के मामले में सबकत ऐसे ले जाना है जैसे रसूल ने बताई है, करने का हुक्म दिया है या किसी ने किया आपने उसको टोका नहीं है, वो अमल ही कर सकते हैं जो सुन्नत से साबित हो। इबादत कैसी करना है जैसे अल्लाह के नबी ने करके बताई,
इस हदीस में सारे मसले खत्म। आपकी इबादत बहुत अच्छी क्यों ना हो, पर याद रखिए अगर सुन्नत से उसका सबूत नहीं है तो आपकी इबादत रायगा है, बेकार है, आपकी इबादत अल्लाह की यहां काबिल कबूल नहीं है। एक बात बताइए, नमाज पढ़ना कोई बुरी चीज तो नहीं है? नमाज पढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है, पर ईद और बकरीद की नमाज से पहले ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ के दिखाइए। नहीं पढ़ सकते, जायज नहीं है ईदगाह के अंदर ईदेन की नमाज से पहले कोई भी नमाज पढ़ना, जायज नहीं। आप कहेंगे नमाज पढ़ना कोई बुरी चीज तो नहीं है, हां पर वहां बुरा है जहां नबी की सुन्नत से साबित नहीं है। रोजा रखना कोई बुरी चीज तो नहीं है? कोई बुरी चीज है रोजा रखना? नहीं है। पर ईद, बकरीद और अय्याम तशरीक में रोजा रख के दिखाइए, रख सकते हैं? हराम है, हराम है, हराम है। अमल कितना अच्छा क्यों ना हो लेकिन सुन्नत से अगर साबित नहीं है तो उस अमल की कोई हैसियत नहीं है। कुर्बानी करना कोई बुरी चीज तो नहीं है? हम सब करते हैं, बकरीद की नमाज से पहले करके दिखाइए, कुर्बानी होगी आपकी? नहीं होगी। तो जहां जैसे जितना प्यारे नबी ने करके बताया है और करने का हुक्म दिया है हमें उतना ही करना है, अपने मन से नहीं, अपने दिमाग से उसको ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, समाज के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है, जो सबसे बड़ा बिगाड़ है, वो बिगाड़ शिर्क का बिगाड़ है, वो बिगाड़ अकीदे का बिगाड़ है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपने समाज की इसलाह का काम करें, हम और आप शिर्क तौहीद के मामले में आगे बढ़ चलकर लोगों को तौहीद की दावत दें, शिर्क की मुजम्मत उनके सामने बयान करें और हम अपनी आने वाली नस्लों को भी तौहीद की दावत दें। मेरे प्यारे भाइयों, तो ये सबसे पहला बिगाड़ है हमारे समाज का, वो क्या है? अकीदे का बिगाड़। अभी बात खत्म नहीं हुई है। समाज के अंदर दूसरा सबसे बड़ा बिगाड़ नौजवानों का बिगाड़ नौजवानों का बिगाड़ ये समाज का सबसे बड़ा बिगाड़ है। जो नौजवान बैठे हैं ये कौम का घी होते हैं, ये कौम का मक्खन होते हैं, ये कौम की क्रीम होते हैं। कहा गया है अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसके नौजवानों को बर्बाद कर दो, क्योंकि नौजवान वो होते हैं जो कौम को इज्जत दिलाते हैं और कौम की जिल्लत का सबब बनते हैं। तो अगर समाज की इसलाह कोई कर सकता है और अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सकता है तो वो ये नौजवान है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ाफ़िन थुम्मा जअला मिन बादी ज़ाफ़िन कुव्वा थुम्मा जअला मिन बादी कुव्वतिन ज़ाफ़ा व शैबा। मैं जब कुरान पढ़ता हूं ऐसा लगता है कि रूह मुअत्तर हो गई है, रूह खुशबूद। कुरान एक ऐसी किताब है कि आदमी जानता ना हो बस सुन ले तो उसे कानों को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ाफ़, आए लोगों अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा किया, ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً, और अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा करने के बाद ताकतवर बना दिया, तुम्हें शक्तिशाली बना दिया, तुम्हारी हड्डियों में गूदा भर दिया, तुम्हारे जोड़ों को मजबूत कर दिया। ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا, और अल्लाह ही है जो ताकत देने के बाद फिर कमजोर कर देता है, बूढ़ा कर देता है। अल्लाह जब आपको पैदा करता है, आप बड़े छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, खाना भी नहीं मांग सकते हैं, पानी भी नहीं मांग सकते हैं। अल्लाह कहता है हम कमजोर पैदा करते हैं, फिर 18 साल के बाद, 16 साल के बाद, 20 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक दौर, जवानी का दौर आता है, तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, तुम्हारे जोड़ मजबूत हो जाते हैं, खून में रवानगी आ जाती है, वो तुम्हारी ताकत का दौर होता है। और फिर तीसरा दौर होता है जो तुम्हारे बुढ़ापे का होता है, जब तुम्हारी उम्र ढलने लगती है, हम तुम्हें कमजोर बनाने लगते हैं, और फिर तुम बूढ़े हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, और तुम्हारे बाल भी सफेद हो जाते हैं। अल्लाह ने तीन हालतों का जिक्र किया है, और मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, वो बीच वाली चीज है। हमने तुम्हें ताकत दे दी,
अल्लाह ताला जवानी की जवानी के दौर को ताकत का दौर कह रहा है, अल्लाह ताला जवानी की उम्र को ताकत की उम्र कह रहा है। मेरे नौजवानों, कुरान की सायत पर गौर करो। मेरे सामने बैठे हुए राजगढ़ के नौजवानों, मैं भी नौजवान हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पांच चीजों के आने से पहले पांच चीजों को गनीमत जानो। इग्तनिम खमसन कबला खमसन, पांच चीजों के आने से पहले पांच चीजों को गनीमत जानो। उसमें एक चीज क्या है, शबाब तक कबला हरम, एक बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। तो ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो बुजुर्ग बैठे हुए उनसे पूछिए जवानी की कितनी अहमियत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कयामत के दिन कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए में, और उस अर्श के साए में सात किस्म के नौजवान होंगे, और उन नौजवानों में कैसा भी होगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, जिसने अपनी जवानी को मौज मस्ती में नहीं, सुरूर में नहीं, चौक चौराहों पर बैठने में ना गुजारा, मोबाइल में ना गुजारा, फिल्मों में ना गुजारा, गानों में ना गुजारा, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, ऐसा नौजवान कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा, जिस दिन कोई साया ना होगा। आज हमारे नौजवान गौर करें, कितना ज्यादा अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं। आज हमारी मस्जिदों में चले आए तो नमाजी नजर नहीं आते हैं, ठीक है, 10-15 नजर आएंगे, लेकिन वो जो अपनी उम्र को पहुंच चुके हैं, जिनकी 60-70 साल की जिंदगी हो चुकी है, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह को जवानी की इबादत ज्यादा महबूब है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सला वहुम अबना सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के हो जाएं, 60 साल के नहीं, 7 साल के। लगता है कि लोगों ने 7 को 60 समझ लिया। अब 60 के हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। शरीयत ट्रेन कर रही है, तरबियत दे रही है, 7 साल के हो जाए हुक्म दो, 12 साल के हो जाए मारो अगर ना जाए, तो बच्चा अपने आप नमाजी बन जाएगा। आज हमारा यह हाल है, ना तो हम खुद नमाज पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए ले जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफ़ज़लु सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्लल मक्तूबा, आदमी की सबसे अच्छी नमाज, आदमी की सबसे प्यारी नमाज, सबसे बेहतर नमाज कहां है, घर के अंदर। मगर फर्ज नमाज आपको कहां पढ़ना है, मस्जिद में। और फर्ज के अलावा जो सुन्नतें और बिलखुसूस जो नवाफिल होती हैं, उसका एहतमाम कहां किया जाए, घर के अंदर, क्योंकि आपके घर में बच्चे भी होते हैं। जब आप रुकू करेंगे तो आपके बच्चे आपको देख करके रुकू करेंगे, आप सजदा करेंगे वो आपको देख करके सजदा करेंगे, और इसी तरह उनके अंदर भी नमाज का शौक पैदा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए। आज हमारी मस्जिदों में चले आए नौजवान नजर नहीं आते, और अभी एनआरसी का मुद्दा आ जाए, सीए का मुद्दा आ जाए, तो ये बड़ा रोड़ों पर निकलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन आए अपनी मस्जिद में कोई अल्लाहु अकबर का नारा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। बस जहन के अंदर एक बात आई, नारा लगा लो बहुत बड़े मुसलमान बन जाएंगे, गए चीखे चिल्लाए और फिर आके अपने बिस्तर के अंदर सो गए। मस्जिद में आइए, कोई आपको नमाजी नजर नहीं आएगा। हमारे इटावा के अंदर लॉकडाउन लगा, मैं तो नहीं था, मिस्र के अंदर था, लोगों ने बताया लोग मस्जिद के ऊपर से कूद रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, दरवाजे से कूद रहे हैं, नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जाएगी। आज जब दरवाजे खुले हैं तो कोई मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं। ये हाल आपके यहाँ का होगा, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है शायद आपके यहाँ का भी ये हाल। तो हम और आप दीन को अपने हिसाब से समझने लगे, हम और आप दीन को अपने एतबार से, और याद रखिए दीन